आज मैं ड्राई हल्दी से पाउडर बनाऊंगी जो कि बनाना बहुत आसान है और ये सस्ता भी पड़ता है। और एक खालस हल्दी आपको घर में मिल जाती है आसानी से, कोई टाइम भी इतना नहीं लेती, जस्ट मिनटों का ये काम है। इसके लिए मैंने ड्राई हल्दी ली थी जो कि बहुत हार्ड थी, और इसको पहले मैंने चॉपर में डाल के चॉप किया, यानी कि मोटे मोटे इसके जो टुकड़े थे थोड़े से कम कर लिए, यानी कि चॉप कर लिए। इसको कुंडी में भी चॉप किया जा सकता है, और इसको भी ग्राइंडर में डाल के तो उसका पाउडर बनाऊंगी। इसको मुसलसल मशीन को नहीं चलाते रहना, तकरीबन 30 सेकेंड के वक्फे से इसको स्टॉप करना है, फिर इसको चलाना है, और आप देखेंगे 3 से 4 मिनटों में हल्दी का पाउडर जो है वो तैयार हो जाएगा। ये देखिए बस थोड़े से टुकड़े इसमें मौजूद हैं, तो मैं दोबारा से उसको ग्राइंड करूँगी छानने के बाद। हल्दी मैंने छान ली है और बहुत अच्छी इसकी खुशबू भी आ रही है, और ये इस्तेमाल में भी क्वांटिटी इसकी कम ही यूज़ होगी, खाने में या फिर जिस चीज़ में भी आप इस्तेमाल करना चाहें तो। और ये इसका लेफ्ट ओवर है, ये अभी पिसेगा तो नहीं, लेकिन आप इसको किसी भी उपटन वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो हल्दी है घर की पिसी हुई, ये मिलावट से भी पाक रहती है, जबकि बाजार से जो खरीदी जाती है उसका कलर भी बहुत अजीब सा रहता है, और टेस्ट में भी बिल्कुल वो यूज़लेस होती है। तो बेहतर है कि बहुत अच्छा ऑप्शन है कि टाइम टेकिंग भी नहीं है, बल्कि मिनटों का ये काम है। आप घर में खालस हल्दी खुद बना सकते हैं, ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है ये आपको पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।